हेलो दोस्तों, अगर हम लोग कंप्यूटर को सीख रहे होते हैं तो दोस्तों हमको कंप्यूटर के शॉर्टकट्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर के सभी शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा जो कि कंट्रोल के साथ बनते हैं। जैसे कि दोस्तों कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, ऐसे दोस्तों कंट्रोल जेड तक के जितने भी शॉर्टकट्स बनते हैं और उनका काम जो जो होता है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर लाइव प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाऊंगा कि कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होने वाला है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों आप कंप्यूटर में कंट्रोल के साथ जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं उन सभी के बारे में बिल्कुल अच्छे से जान जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, यहाँ पे सब मैंने कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक जितने भी शॉर्टकट्स बनते हैं और उनका काम क्या होता है सब यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप भी इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कॉपी और पेन के साथ ज़रूर बैठें, जो जो मैं बताऊंगा सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको बाद में भी इसको कहीं पे भी आराम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल ए शॉर्टकट का यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। दोस्तों अगर आपके पास आपके पेज पे कई सारे मैटर लिखे हों, कई सारे टेक्स्ट लिखे हों और आपको सभी टेक्स्ट को एक ही बार में सिलेक्ट करना हो तो दोस्तों आप लोग कंट्रोल ए शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे और हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ ए को प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो सारा मैटर था वो एक ही बारी में सिलेक्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस बी। इसका मतलब होता है दोस्तों बोल्ड। इसका यूज सेलेक्ट करे हुए मैटर को या फिर टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे दोस्तों एक पैराग्राफ को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को दबाए रखेंगे, उसके बाद बी को प्रेस कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितने भी मैंने एक पैराग्राफ को बोल्ड किया है उसमें और नीचे वाले पैराग्राफ में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों सिंपल से कंट्रोल बी मतलब बोल्ड करने से हमारा जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर से करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा दोस्तों आप लोग फिर से एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी आपको शॉर्टकट्स ना समझ में आए उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद हमारा जो तीसरा शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस सी। इससे होता क्या है, देखिए कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी। इससे दोस्तों हम लोग सेलेक्ट किए हुए मैटर या फिर टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं। इसको हम यहाँ पे पहले वाले लाइन को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सेलेक्ट हो गया पहला लाइन और सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको करेंगे कॉपी। कॉपी कैसे करेंगे दोस्तों, हमने आपको बताया कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। तो अपने कीबोर्ड में आएंगे, कंट्रोल बटन को होल्ड करके सी वाले बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कॉपी हो चुका है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा मैटर जो है वो कॉपी हो गया? तो दोस्तों यहाँ पे हम पैराग्राफ के एंड में एक बार एंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग उसी मैटर को पेस्ट करेंगे। पेस्ट किसे किया जाता है, पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है? तो दोस्तों पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस वी। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देगा कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट। तो चलिए हम लोग पेस्ट करके भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग जहाँ पे इंटर करके आए थे अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कंट्रोल प्लस वी। जैसे दोस्तों कंट्रोल प्लस वी करेंगे यहाँ पे जो मैटर हमने कॉपी किया था, जो टेस्ट हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे आकर के इंसर्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी। तो कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस डी से फॉन्ट विंडो ओपन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम लोग अपने एमएस वर्ड प्रोग्राम में आएंगे और यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स या फिर फॉन्ट का जो विंडो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा शॉर्टकट आता है कंट्रोल प्लस ई। इसका मतलब होता है सेंटर। अब इस शॉर्टकट का यूज हम लोग दोस्तों अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर कंट्रोल प्लस ए टू जेड शॉर्टकट्स लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो मैटर है ये
पहले डिफ़ॉल्ट में जब हम लोग टाइप करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, आगे पे आएगा। तो इसको बीच में लाने के लिए हम लोग दोस्तों कंट्रोल प्लस ई, अगर सेंटर में हमको लेके आना है तो कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट का यूज करेंगे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये लाइन है, इसमें हम इंटर करके इसको कुछ इतना कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको करेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगर हमको इस वर्ड को अपने पेज के बीचों बीच लेके आना हो यहाँ पे बीचों बीच, तो हम क्या करेंगे अपने कीबोर्ड में जाएंगे, कंट्रोल प्लस ई को प्रेस कर देंगे, तो ये जो हमारा मैटर है, ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये हमारे पेज के बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है दोस्तों वो है कंट्रोल के साथ एफ, कंट्रोल प्लस एफ। किसी शब्द को फाइंड मतलब खोजने के लिए कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी शब्द को खोजते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने जो मैटर लिखा है इसमें एक ही वर्ड जो है वो कई बार आ सकते हैं, जैसे कि टी एच ई हो गया, द हो गया, या फिर कई सारे ऐसे वर्ड जो बार बार रिपीट होते हैं, या फिर कोई ऐसा वर्ड है जिसको हमको ढूंढ के उसको बदलना हो। किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए हम लोग फाइंड शॉर्टकट का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं दोस्तों, तो सिंपल से आपको अपने कीबोर्ड में आना है, कंट्रोल को प्रेस करना और एफ प्रेस कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फाइंड का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको जिस भी वर्ड को, जिस भी टेक्स्ट को हमको ढूंढना है उस टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको ढूंढना हो टी एच ई, द ढूंढना हो, तो दोस्तों यहाँ पे हमको उस वर्ड को टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा टी एच ई, और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट में शो हो जाएगा जितने भी हमारे टेक्स्ट में टी एच ई होंगे सब दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे मैटर में, हमारे टेस्ट में जितने भी टी एच ई हैं वो सब क्या हो गए, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जी, इसका मतलब गो टू होता है। किसी लाइन या फिर पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारे पास दोस्तों अगर हमको किसी भी लाइन या फिर किसी भी पेज पे डायरेक्ट जाना हो तो हम लोग गो टू शॉर्टकट का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कंट्रोल प्लस जी को प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे मान लीजिए हमको जाना है पेज नंबर सेकंड पे, पेज नंबर सेकंड पे जाना है, तो यहाँ पे लिखा होगा इंटर द पेज नंबर, तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे लिख देंगे सेकंड और कर देंगे गो टू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कर देते हैं क्लोज, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों हम लोग सेकंड पेज पे डायरेक्ट ही पहुँच गए हैं। यही दोस्तों होता है हमारा गो टू शॉर्टकट। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस। किसी भी शब्द को रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि किसी भी शब्द को हम लोग रिप्लेस कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए अपने एमएस वर्ड प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे हमने अपने मैटर को टाइप किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद हम लोग सबसे पहले अपने कीबोर्ड में करेंगे कंट्रोल प्लस एच। अब दोस्तों कंट्रोल प्लस एच करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे। रिप्लेस के ऊपर क्लिक करने के बाद हमको किस मैटर से रिप्लेस करना है, पहले तो उस वर्ड को लिखेंगे कि किस शब्द से हमको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमने शब्द लिख दिया है टी एच ई द, और किस से करना है, किस वर्ड से करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने चैनल का जो नेम है उसको रख देते हैं अवध ग्लू। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग सिंपल से करेंगे रिप्लेस ऑल, उसके बाद दोस्तों कर देंगे यहाँ पे ओके। अब दोस्तों इसको करते हैं क्लोज। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर टी एच ई था, द था, वहाँ पे अब सब जगह अवध ग्लू हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे पहले टी एच ई था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, अब यहाँ पे क्या हो चुका है, अवध ग्लू। तो दोस्तों इसके बाद हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आई इटैलिक। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट का यूज किया जाता है। चलिए हम लोग जानते हैं कि इटैलिक होता कैसे है। यहाँ पे हमको इटैलिक करने के लिए सबसे पहले तो मैटर को, हमको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दोस्तों कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ आई वाले बटन को प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल, जहाँ तक लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ तक जो हमारा मैटर है वो तिरछा है, और यहाँ इसके बाद वाला जो मैटर वो बिल्कुल सीधा है। तो दोस्तों यही होता है हमारा इटैलिक। इटैलिक करने से हमारा जो मैटर होता है, हमारा जो टेक्स्ट होता है, हमारा जो शब्द होता है, वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाइड। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जे का यूज किया जाता है। हम लोग दोस्तों चलिए हम लोग समझते हैं कि कंट्रोल प्लस जे मतलब जस्टिफाइड होता है क्या है।
तो दोस्तों कंट्रोल प्लस जे जो शॉर्टकट है वो होता है एक एलाइजमेंट के लिए। जस्टिफाइड क्या है? एक एलाइजमेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी जो हमारा मैटर है वो लेफ्ट साइड से अलाइन है, मतलब इसका जो अलाइन एलाइजमेंट है वो कहाँ से है? लेफ्ट साइड से है। तो हम लोग इसको करेंगे जस्टिफाई, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हो जाए। अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो मैटर है वो कोई यहाँ पे आकर ख़त्म हुआ है, कोई यहाँ पे, कुछ यहाँ पे और कोई यहाँ पे। इसको हमको बराबर कैसे करेंगे, इस अलाइनमेंट को दोनों तरफ से कैसे बराबर करना है? तो करने के लिए पहले तो हम जितने भी टेक्स्ट को बराबर करना हो, जस्टिफाई करना हो, उसको सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस जे को प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने कंट्रोल प्लस जे सेलेक्ट किया, तैसे ही यहाँ पे हमारा जो एक पैराग्राफ था वो बिल्कुल जस्टिफाइड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट से भी बिल्कुल बराबर है और राइट से भी बिल्कुल बराबर है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया हो। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक। इंसर्ट हाइपरलिंक पर जाने के लिए हम लोग शॉर्टकट कंट्रोल प्लस के का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम इस शब्द को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस के को प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों जैसे हमने कंट्रोल प्लस के को प्रेस किया, हमारे सामने यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक का एक जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों अब हम इस शब्द में किसी भी पेज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी आइडियो को, किसी भी वीडियो को लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट अलाइन। टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे है लेफ्ट अलाइन। अलाइन आप समझ गए होंगे कि अलाइजमेंट की बात हो रही है, वो भी लेफ्ट साइड से, जो कि दोस्तों हमारा डिफ़ॉल्ट में जब हम लोग लिखते हैं तो हमारा जो अलाइजमेंट होता है वो लेफ्ट साइड से ही होता है। चलिए आपको यहाँ पे हम करके भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग अपने MS Word प्रोग्राम के अंदर। तो दोस्तों लेफ्ट अलाइन का मतलब यही दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा मैटर है वो लेफ्ट साइड से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट को प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एल। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो मैटर है वो लेफ्ट साइड से बिल्कुल अलाइन हो चुका है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम, मतलब इंडेंट। इंडेंट बढ़ाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग समझते हैं अपने MS Word प्रोग्राम के अंदर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपने MS Word में आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे अगर आपको अपने पैराग्राफ का इंडेंट बढ़ाना है तो दोस्तों आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम को प्रेस किया, हमारा जो पैराग्राफ था उसका इंडेंट बढ़ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन, इसका मतलब है न्यू। न्यू फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए हमारे पास जो अभी फाइल है, अब इसको हमको हटा करके हमको एक नया ब्लैंक फाइल ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में आएंगे, सिंपल से कंट्रोल प्लस एन की को प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों हमारा जो पुराना वाला फाइल था वो गायब हो जाएगा, उसी के जगह पे दोस्तों हमारे पास एक नया ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ओ, ओपन। किसी फाइल को खोलने के लिए, मतलब किसी सेव हुए फाइल को दोबारा से ओपन करने के लिए हम लोग ओपन शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हमको अपने इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना हुआ तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में आएंगे और कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग अपने प्रिंटर से इस डॉक्यूमेंट का जो प्रिंट आउट है उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस क्यू, इसका मतलब है दोस्तों पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए बोल रहा है, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हमको पहले समझना पड़ेगा क्या होगा। इसके लिए दोस्तों आते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको होम टैब पे आपको एक कमांड, एक ग्रुप देखने को मिलेगा जो कि है पैराग्राफ के नेम से। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा जहाँ पे माउस या फिर कर्सर जो भी है यहाँ पे मूव कर रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, अब सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम लोग लगाते हैं बुलेट्स, ये वाला बुलेट्स लगाते हैं। और बुलेट्स लगाने के बाद इसमें हम इसको अलाइनमेंट जो हम लोग कर देते हैं सेंटर। अब दोस्तों हम लोग
इसको सिलेक्ट करने के बाद और कंट्रोल क्यू करेंगे, कंट्रोल क्यू, तो दोस्तों हमारा जो भी फॉर्मेटिंग हुआ रहेगा वो फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर, राइट अलाइन कॉमा रिलोड। टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए और इंटरनेट के पेज को रिलोड करने के लिए हम लोग कंट्रोल आर का यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लेफ्ट अलाइन किया था कंट्रोल प्लस एल से, वैसे हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसको राइट से भी बराबर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में एक शॉर्टकट प्रेस करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल आर प्रेस करते हैं हमारा दोस्तों जो मैटर है वो राइट साइड से अलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफ, सेव। डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए हम लोग सेव मतलब कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट को कैसे सेव किया जाता है चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है। अब इसको अगर हमको सेव करना हुआ अपने कंप्यूटर के अंदर तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस करेंगे और प्रेस करते ही दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इस अपने डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर के किसी लोकेशन में सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस टी, न्यू टैब हैंगिंग इंडेंट, हैंग से पैराग्राफ टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हम अपने मैटर को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस टी को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा एक लाइन जो है वो छूट जाएगा ऐसे ही और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पूरा पैराग्राफ रहेगा वो इस लाइन के नीचे हैंग करेगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल यू, अंडरलाइन। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम लोग अपने कीबोर्ड में अंडरलाइन का जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू उसका यूज़ करते हैं। चलिए इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल समझ लेते हैं कैसे करते हैं। हम लोग आ गए अपने प्रोग्राम के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हमको इस पहले लाइन में अंडरलाइन का यूज़ करना है, इस पहले लाइन के आगे हम लोग क्लिक करेंगे ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपने कीबोर्ड से हम लोग कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट को प्रेस करेंगे और जैसे हम लोग कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस मैटर में हमारा जो अंडरलाइन है वो लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी मतलब पेस्ट, कट ऑब्लिक कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जो कि मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे इसको पेस्ट करते हैं, कॉपी करते समय ही कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट के बाद ही हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी को भी बता दिया था, शायद आपको याद भी होगा। अगर याद है तो दोस्तों अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप वीडियो को पीछे जा करके फिर से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट आता है वो है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज। किसी ओपन विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। ओपन विंडो का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो जो है वो ओपन है तो इसी को अगर हमको बंद करना होगा तो हम लोग कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। चलिए दिखा देते हैं आपको कैसे। हमारे पास यहाँ पे एक एमएस वर्ड का दूसरा विंडो ओपन है तो इसको क्लोज करने के लिए अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ W को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा यू वांट टू सेव योर चेंजेस टू डॉक्यूमेंट। अगर हमको सेव करना होगा तो सेव करेंगे और ना फिर डोंट सेव करके स्किप कर देंगे। यहाँ पे डोंट सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारा वो जो विंडो था वो बंद हो जाएगा। हम लोग दोस्तों फिर से एक नया विंडो ओपन करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स, कट। टेक्स्ट को कट करने के लिए हम लोग अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे किया जाता है इसका यूज़। हम लोग आएंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और डॉक्यूमेंट के अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट है जिसका नाम है वीडियो। यहाँ पे हम लोग वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एक्स को प्रेस करेंगे तो हमारा जो सिलेक्ट हुआ टेक्स्ट रहेगा वो कट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वाई, रीडो। रीडो करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया एक वीडियो शब्द था जिसको हमने कट किया था, अब उस शब्द को दोबारा से यहाँ लाने के लिए हम लोग करेंगे अंडो, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जेड, तो इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने जैसे ही कंट्रोल प्लस जेड अपने कीबोर्ड में प्रेस किया तो यहाँ पे वर्ड आ चुका है, यहाँ पे वीडियो वर्ड आ चुका है। अब दोबारा से इसी को जहाँ पे था वहाँ पे करने के लिए तो करेंगे अब लोग रीडो। रेडियो का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वाई होता है, जैसे हमने यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई किया तो वो जो वर्ड था वो अपनी जगह पे फिर से चला गया। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको सारे जो शॉर्टकट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो
तो आई होप दोस्तों आपको सारे शॉर्टकट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको इस चीज़ को नोट करना हो तो आप लोग एक एक करके इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको फिर भविष्य में कभी भी कंट्रोल्स के साथ जितने भी शॉर्टकट्स बनते हैं आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।